हरियाणा भाजपा प्रदेशाध्यक्ष नायब सैनी नागरिक अभिनंदन कार्यक्रम में कैथल भाजपा के जिला कार्यालय कपिल कमल में पहुंचे। जिला कार्यालय कपिल कमल पहुंचने पर नवनियुक्त प्रदेशाध्यक्ष नायब सैनी का भाजपा कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों ने जोरदार स्वागत किया और उन्हें सम्मानित किया। इस दौरान पत्रकारों से बातचीत करते हुए सैनी ने कहा कि कैथल से उनका विशेष लगाव है और कैथल कपिल मुनि और हनुमान की जन्मस्थली है, धर्म और कर्म की धरती है। नायब सैनी ने कहा कि कुरुक्षेत्र सांसद होते हुए उनका हरियाणा भाजपा के प्रदेश पदाधिकारियों, कार्यकर्ताओं और पार्टी के पन्ना प्रमुखों तक से विशेष लगाव है। साथ ही सैनी ने कहा कि मुझे प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी गई है, भविष्य में लोकसभा चुनाव है और उनको लेकर संगठन को मजबूत किया जाएगा और सभी लोकसभा सीटों पर भाजपा जीत हासिल करेगी। हमारा जो संगठन है वो पन्ना प्रमुख के ऊपर बैठा है। आदरणीय धनखड़ जी ने भी पिछले अपने टेन्योर में जबरदस्त काम किया है और वो अब केंद्र की जिम्मेवारी में है। उनका आशीर्वाद लेकर के भी हम हरियाणा की दस लोकसभा की सीटें कमल के फूल खिला करके आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने का काम करेंगे। और मनोहर लाल जी ने जो केंद्र सरकार की योजनाएँ थी उन योजनाओं में इजाफा करके गरीब व्यक्ति तक खड़े होकर के और एक पहरा दे करके जो एक चौकीदार का काम होता है, प्रमुख चौकीदार ने पहरा दे करके उन तक पहुंचाने का काम किया है। और हरियाणा के अंदर भी 2024 में डबल इंजन की सरकार मनोहर लाल जी के नेतृत्व में बनाने का काम करेंगे। और आप देखना, आज हरियाणा की जनता एक बड़ा उत्साह है। हरियाणा की जनता विधानसभा के चुनाव के अंदर भी बहुत बड़े मैंडेट से हरियाणा की सरकार बनेगी और 10 की 10 लोकसभा की सीटें नरेंद्र मोदी जी के पास जाएंगी। इस दौरान सैनी ने विपक्ष पर भी जमकर निशाना साधा और कहा कि पहले झूठ और लूट की सरकारें होती थी, कांग्रेस के कार्यकाल में 55 साल में गरीबी कम होगी के दावे किए जाते रहे लेकिन ऐसा नहीं हुआ। लेकिन अब भाजपा के शासनकाल में सभी वर्गों का एक समान विकास हो रहा है, क्योंकि लंबे समय तक कांग्रेस झूठ के ऊपर ही अपनी सरकार का निर्माण करती रही। जिस गति से देश को आगे बढ़ना चाहिए था शायद उस गति से देश नहीं बढ़ पाया, और जिस गति से लोगों तक सुविधाएं पहुंचनी चाहिए थी वो सुविधाएं भी नहीं पहुंची, क्योंकि लोग और ये भी सजबाग दिखाने का काम करते थे। कांग्रेस के लोग सजबाग इस प्रकार का दिखाते थे, हमारी सरकार आएगी और हम गरीबी को हटाएंगे। 55 साल लोग इंतजार करते रहे, गरीबी नहीं हटी, गरीब और गरीब होता चला गया और लोग सुरक्षित भी नहीं थे कांग्रेस के शासन के अंदर। पहली बार है देश के अंदर सामाजिक रूप से भी देश का हर नागरिक नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, मनोहर लाल जी के नेतृत्व में अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रहा है। वहीं जजपा से गठबंधन के सवाल पर सैनी ने कहा कि यह केंद्रीय नेतृत्व का विषय है और जैसा केंद्रीय नेतृत्व आदेश करेगा वैसा ही गठबंधन पर फैसला लिया जाएगा। पूर्व केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र सिंह के बयान पर सैनी ने कहा कि उनकी नसीहत पर वे गौर जरूर करेंगे, क्योंकि प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद उन्होंने आदरणीयों के आशीर्वाद को लेकर चलने का प्रण लिया है। नहीं देखिए, मैंने कहा यह केंद्रीय नेतृत्व का विषय है, हमने 10 की 10 लोकसभा की सीटें हमारे सामने टारगेट है और डबल इंजन की सरकार हमने बनानी है। जो भी केंद्रीय नेतृत्व का निर्णय होगा सर आंखों पर है, उसको स्वीकार करना। आप सांसद भी हैं, अध्यक्ष भी चला करेगा, हमारी जिम्मेवारी है 10 की 10 लोकसभा की सीटें जीतने, 10 की 10 लोकसभा सीटों के ऊपर कमल का फूल खिले, इसके लिए काम करेंगे। गठबंधन अगर केंद्रीय नेतृत्व हमें बोलता है तो हम वहाँ पर भी हमने जीतनी है, वहाँ कौन सा पीछे रहनी है, जो भी चुनाव चिन्हेगा। भाजपा प्रदेशाध्यक्ष ने जहां केंद्र और प्रदेश की भाजपा सरकार की जमकर तारीफ की तो वहीं पक्ष पर भी जमकर निशाना साधा। पंजाब केसरी टीवी के लिए कैथल से कांता शर्मा की रिपोर्ट।